पहले बोधिसत्व भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सभी प्रदेशों से आए हुए बुद्धिजीवी साथी माताएं बहने और इस मंच पर सभी बुद्धिजीवी साथियों को मेरी तरफ से नमो बधाई जय भीम। साथियों, जिस मुद्दा को लेकर के हम लोग इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं, हम लोग सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तैयारी करके और जिस क्षेत्र में लीडर पैदा करना पड़ेगा, ताकि उन मनवादियों को होश उड़ाने के लिए हमको 25 और 30 के बीच में ऐसे नौजवान को वीर भगत सिंह के तरह पैदा करना पड़ेगा, तभी ये प्राप्त होगा। क्योंकि बाबा साहब को कानून लिख दिए और उस कानून को पढ़कर जब तक उनके विचार को हम अध्ययन नहीं करते हैं तो वो हमारा निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। आज सभीपुर की घटना है, आज पूरे देश में हर प्रदेश में रोज न रोज घटना होती रहती है दलित के ऊपर, लेकिन उसके लिए सही बात है कि बाबा साहब इतने संविधान लिखकर गए और उनके बाल को फैलाने के लिए अगर कहा जाए तो उनको देशद्रोही कहा जाता है, ये कितना बड़ा अन्याय है। हम लोग जैसे नौजवानों को हर जिला से लेकर के प्रखंड से लेकर के पंचायत से लेकर के लीडर निकालना पड़ेगा, तभी आपका अगर वो लीडर सही नेतृत्व करे, अगर उसको हम ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें 3 दिन 2 दिन का, तो वास्तव में वो चिराग पैदा होगा। और अभी हम लोग बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग विचार करेंगे कि अब ये कानून जो बना है वो कानून के तहत चंद्रशेखर जो आज 3 साथी जेल में बंद है, हर राज्य से हम लोग लिखित पीएम और सीएम को अगर देते हैं तो सोचना, तो संघर्ष भी करना पड़ेगा और लिखित भी देना पड़ेगा, तब जाकर के इस पर कुछ हो सकता है। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए जय हिंद, नमो बधाई।